स्वागत है आप सबका द हिंदू कंस्ट्रक्शन चैनल में। मैं धर्मेंद्र बटियर आप सबका हिंदू कंस्ट्रक्शन चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय सब्जेक्ट है हाउ टू यूज लाइन कमांड इन ऑटोकैड। लाइन कमांड ऑटोकैड में किस तरह उपयोग की जाती है वही आज हम सब लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अब लाइन कमांड शुरू करते हैं। ऑटोकैड स्टार्ट हो गया। लाइन कमांड शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ड्रॉ मेनू बार में जाना है। वहाँ पे लाइन कमांड फर्स्ट में ही आपको लाइन कमांड मिल जाएगी, उसको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, देन आपका लाइन कमांड स्टार्ट हो गई है। अब आपको लाइन कमांड पॉइंट सिलेक्ट करना है कोई भी एक जगह पे, ओके। उसके बाद आप जो भी डायमेंशन या जो भी लेंथ देना चाहते हो, मेरे ये ड्राइंग अभी फीट में है इसलिए मैं फीट में बना कर दिखाता हूँ, तो आपको फीट में बना कर दिखाता हूँ, ओके। मैं 10x10 एक रूम बना रहा हूँ, अभी सिर्फ स्क्वायर बना रहा हूँ। 10 फीट 10 लिखना है, तो बाद में एक कॉमा बनना है वन वाला, एंटर के एग्जिट बाद में होगा। बना 10 फीट। अब आप इसको डायमेंशन में जाकर हम आपको दिखाएंगे, देख लीजिए कितना है 10 फीट, ओके। फिर से आपको एल फॉर लाइन कमांड यूज करना है, उसके बाद फिर से पॉइंट सेलेक्ट करना है। फिर से आपको अगर 10 के बदले 15 फीट करना है, 15 फीट 20 फीट जो भी कर सकते हैं, 15 फीट लेते अपने, ओके 15 फीट। फिर से एंटर, आपकी लाइन बन चुकी है 15 फीट की। मापना है एक बार, डायमेंशन देख लेते हैं, 15 फीट की बन गई। अब कुछ नहीं करना, सीधे लाइन कमांड प्रेस करना, एल एल से भी आ सकती है सीधे शॉर्ट की, एल एंटर सिलेक्ट करो, बाद में वोल्टेज ऑन रखो अपना, ओके बन गया लाइन, सीधा कनेक्ट करो, बॉक्स बन गया आपका 10x15 का बॉक्स बन गया, ओके बन चुका है आपका बॉक्स। फिर से आपको लाइन कमांड दिखाता हूँ। अब आप सीधे L टाइप करो शॉर्ट की, L पॉइंट लो, पॉइंट के बाद आप सीधे जो भी देना चाहो, इंच में देना चाहते हो इंच में, अगर सिर्फ मान लो आपको सिर्फ 11 इंच का बनाना है, 11 इंच, तो 11 इंच की लाइन बन चुकी होगी। आप अगर यहाँ पर डालना चाहोगे तो 11 इंच बना होगा, ओके 11 इंच। इसको 9 बना, 9 इंच करना है, 9 इंच 9 इंच एंटर बन जाओ, एंटर 9 इंच। फिर से अगर कमांड को फिर से स्टार्ट करना है तो एल या कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एल दबाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको आपको बोल रहा हूँ ना ही एल दबाने की जरूरत है, और ना ही आपको ड्रॉ बार में जाकर लाइन कमांड सिलेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपकी कमांड आपने यूज़ की हुई है तो उसको फिर से करना, सीधे एंटर दे दो, क्या एंटर देंगे हम तो ऑटोमेटिक आपकी लाइन कमांड फिर से स्टार्ट हो चुकी है। फिर से 11 इंच देंगे बनी, और इसको क्लियर, आपका बन चुका है बॉक्स 11x9। और हम आपको ना इसको डायमेंशन देकर दिखा देते हैं। अब आपको अगर लाइन कमांड यूज करना है पर उसमें एंगल देना है तो एंगल भी दे सकते हो। पॉइंट लाइन कमर के पॉइंट लिया, बाद में राइट क्लिक करो, उसमें आएगा एंगल एंगल एंगल, या सॉरी राइट क्लिक नहीं करना, उसमें लाइन कमर स्टार्ट करना है, इधर ए लिखो, एंगल स्टार्ट हो जाएगा। हो चुका है, चलो हाथ का अपना हिस्सा लाइन कमान हमें अगर यहाँ पर बीच से लाइन करनी है तो सीधे आप मिड पॉइंट पकड़ो, ये जो ट्राइंगुलर दिख रहा है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पकड़ा आपने तो यहाँ पर लाके उसको लेफ्ट क्लिक कर दो। फिर से आपको करना है यहाँ से लेफ्ट मिड पॉइंट पकड़ो, मिड पॉइंट पकड़ के यहाँ पर फिनिश हुआ आपकी लाइन कमान से सब जुड़ गया। अब आपका ट्रिम करना था तो ट्रिम हो गया, अलग बन गया, ओके इस तरह से होता है लाइन कमांड का यूज।
आई होप कि आपको पता चल गया होगा किस तरह से लाइन कमांड से यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। तो चलिए अब हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।